नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम एच नाम से जिन लोगों का नाम निकलता है या जो लोग एच नाम वाले होते हैं, उनकी क्या खासियत होती है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिंदगी के अंदर, वो कमजोर पक्ष कौन से देखने को मिले हैं, और रिश्ते की और पार्टनरशिप की या विवाह की अगर बात करें या पार्टनर की बात करें तो क्या क्या खूबी उनके अंदर देखी गई है, तो तमाम इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपका रिस्पॉन्स आया कि शास्त्री जी नाम से भी भविष्य कथन करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि नाम से ही कुछ खासियत मिल जाए, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम एस नाम के बारे जातक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम एच से निकला हो, यानी हरिंदर, हितेंद्र, हीरा एक्सेट्रा, हरीश। तो इनका स्वभाव कैसा होता है और किस किस चीजों के प्रतीक होते हैं, तमाम इस चीजों के बारे में बात कर लेंगे। दूसरा, मैं प्राय कहता हूं कि जब हम नाम से भविष्य कथन करते हैं तो उसमें जो एक्यूरेसी रहती है वो सिर्फ 80-90% रहती है, वाइल जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी 100% के चांसेस होते हैं। तो नाम से सिर्फ आपको 80-90% ही चीजें मिलेगी, पर ये फैक्ट है 80-90% चीजें आपको मिल जाएगी, क्योंकि नाम का भी असर आपके जिंदगी पर पड़ता है। तो अगर आप एच नाम के हैं या कोई जातक जिसका एच नाम से उसके बारे के उसके स्वभाव के बारे में आप जानना चाहते हैं तो समझ लेते हैं। आज स्वभाव देखिए इनका, एच नाम होने के कारण जो राशि बनी वो कर्क बनी, कर्क के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा बने। तो ऐसे जातकों का मन बहुत विचलित रहता है, छोटी छोटी सी बातों पर नाराज, छोटी छोटी सी बातों पर खुशी, मन बहुत परिवर्तन होता रहता है ऐसे जातकों का, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। पर जो स्वभाव होता है नाम की वजह से, ऐसे जातक राजा के समान जिंदगी जीना पसंद करते हैं, राजसी स्वभाव होता है ऐसे लोगों का, सच्चे दिल के होते हैं ऐसे आदमी, हसमुख स्वभाव होता है, संकोची और शर्मीले होते हैं ऐसे जातक, खासतौर से अगर किसी को डेट करने की बात आए तो। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इनके लिए बहुत अहमियत रखती है जिंदगी के अंदर, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कि इनको लालसा बनी रहती है, तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं, इनिशिएटिव तुरंत ले लेते हैं, नतीजा कुछ भी हो पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते, तुरंत इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, दिलदार टाइप होते हैं, लीडर और नीडर की क्वालिटी इनके अंदर भरपूर है, चतुर भी होते हैं इसके साथ साथ। और कर्क राशि रहने के बाद मन में बहुत परिवर्तन होता है, कभी खुशी कभी गम जिंदगी के अंदर लगे रहते हैं। अब क्या क्या कमजोरी हो सकती है इस पक्ष की, जो एच नाम के लोग हैं वो आप समझ लीजिए, थोड़े घमंडी हो सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान और राजा की तरह जिंदगी चाहते हैं, और उसकी वजह से घमंड इनके अंदर भर सकता है अगर ये सब चीजें उनके पास आ जाती हैं तो। तरक्की करने वाले होते हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं होती, पर किसी किसी जातक को देखा जाता है कि ये सब चीज होने के बावजूद भी जितना उनको होना चाहिए था जिंदगी के अंदर वो लक्ष्य नहीं पा पाते, मतलब ये नहीं है कि नहीं पाते, 100% पाएंगे, पर कभी कभी किसी जातक को ये देखा गया है कि जो उनमें प्रतिभा है, जो उनके अंदर कैलिबर है, उसके विपरीत उतना नहीं होके थोड़ा कम या कुछ गड़बड़ उसमें मिल सकती है। अब अगर रिश्ते की बात आई और प्यार की बात आए तो ऐसे लोग बहुत शर्मीले होते हैं और कुछ शो नहीं करते, जाहिर नहीं कर सकते, और आप इनसे कुछ इजहार की कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इनके बस की बात नहीं है। जो एश नाम के जो लोग होते हैं, मन में ही इनकी बात रह जाती है, और हिंदी से जिसका है से नाम निकलता हो। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जो एच से जिसका नाम होता है उसकी क्वालिटीज, क्या क्या उसका स्वभाव होता है, और करेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं कैसी होती है उनके अंदर, नकारात्मक पक्ष कौन सा देखा जा सकता है कुंडली के अंदर, और रिश्तों की अगर बात आए तो क्या क्या चीजें उनके अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये एच नाम के बारे में मैंने आपको आज संपूर्ण कथन बताया। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, कि क्योंकि जो एच नाम के लोग हैं जिनके पास अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग नहीं है, उनके पास भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी जान पाए अपना स्वभाव, या जो दूसरे एच नाम के जो जातक होंगे जिनके बारे में वो जानना चाहते हो तो इस वीडियो के माध्यम से वो जान सके। तो धन्यवाद वीडियो, धन्यवाद मित्रों, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम अपने नाम से भविष्य कथन करने की श्रृंखला को जारी रखेंगे। धन्यवाद।